हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर गोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आप सब लोगों की? चलिए, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये आपका चैप्टर 10 का टॉपिक है, ठीक है। चैप्टर 9 में आपका खाली एक टॉपिक बचा है, एक टॉपिक बचा है खाली चैप्टर 9 में। बस एक ही टॉपिक है जो रह गया है, बाकी पूरे सारा चैप्टर 9 जो है उसके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली जल्दी से जल्दी जैसे भी होगा मैं वो एक टॉपिक जो आपका बचा है चैप्टर 9 का वो भी कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। देन फिर एक बार हम चैप्टर 9 के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर पे डिस्कस कर लेंगे, ओके गाइस। अब हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ग्रोथ। ठीक है, आज हम ये स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी और सिंपल टॉपिक है, कोई स्ट्रेस वाला टॉपिक नहीं है, ये बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक भी ये चैप्टर कंप्लीट होने में अप्रोक्सीमेटली या तो कल, आज का तो लेक्चर जाएगा लग जाए, नेक्स्ट कल का लेक्चर भी हो सकता है, कल भी एक लेक्चर लगेगा, और होप सो परसों, मतलब ये 3 दिन में ये चैप्टर और कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के नेक्स्ट ही जो भी क्लास होगी वो 9 चैप्टर का जो आपका बचा हुआ सिलेबस है उसी का ही होगा। देन उसके बाद ऐसा करेंगे 9th, 9th एंड 10th दोनों ही चैप्टर्स के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर लेंगे एक बार एक क्लास में, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर में, जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं जिनमें जो जो क्वेश्चन है 9th और 10th चैप्टर से रिलेटेड, वो सब एक बार हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा 9 और 10th चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद जो है उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कोई भी एक नया इंटरेस्टिंग सा टॉपिक उठाएंगे आपका, क्योंकि पहले तो हमें आपका पेपर फर्स्ट कंप्लीट करवाना है, देन आई विल स्टार्ट पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट में भी अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, ठीक है। तो उसमें से थ्योरेटिकल पार्ट जो भी अब मिलेगा वो या तो फिर सीधा मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैंने बीच में एक 9 चैप्टर से स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या बायो में थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है, बाकी तो फिर थ्योरी पढ़ने में थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। इसलिए मैंने 9 चैप्टर जो था वो ह्यूमन जेनेटिक्स था, जो मेरे को भी इंटरेस्टिंग लगता है, आई होप आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो इसलिए मैंने वो चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट किया था। और 9 चैप्टर भी है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो भी बायो से ही रिलेटेड है, इतना हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है। इसमें भी मैं आपको स्टेजेस बता दूंगी, कुछ फैक्टर वगैरह। कल हम इसके कुछ आपको इन्वायरमेंटल, बायोलॉजिकल एंड न्यूट्रिशनल इफेक्ट्स क्या है, एजिंग्स के क्या थ्योरी ऑब्जर्वेशन है, ये सब मैं आपको इसमें कल बता दूंगी, ठीक है। तो या तो फिर क्योंकि इसमें आपके खाली 12 चैप्टर ही है आई थिंक, हाँ इसमें आप खाली 12 चैप्टर ही है, तो या तो इसके बाद जब आपका 9th और 10th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे आपका, जिसमें आपका ये स्कोप मीनिंग ये डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने यही बताया था। तो रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन वगैरह सोशल साइंस बिहेवियर में, लाइफ साइंस में, इसमें कहीं से ऐसे नॉर्मल टॉपिक से स्टार्ट करेंगे या ह्यूमन इवोल्यूशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए तो हम आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ रिफर्स टू ए डायनामिक प्रोसेस, ये क्या रिफर करती है, दोनों एक डायनामिक प्रोसेस को रिफर करती है। ऑफन यूज इंटरचेंजेबल, दीज टर्म्स हैव ए डिफरेंट मीनिंग, दोनों के अपने डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड, ठीक है। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो क्या है, एक इंटर रिलेटेड प्रोसेस है। ग्रोथ जनरली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ लाइफ, 20 ईयर जो होती है, स्टार्टिंग के 20 ईयर्स जो होते हैं लाइफ के, उस टाइम पे आपका ग्रोथ होती है। और डेवलपमेंट आपका हमेशा याद रखना माइंड का होता है, ठीक है। ग्रोथ आपकी बॉडी में होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्रोथ पढ़ते हैं कि ग्रोथ क्या है। इट्स ए फिजिकल चेंज एंड इंक्रीज इन साइज, आपकी फिजिकल चेंज होना और आपका बढ़ना, घटना,
कुछ भी हो ना, वो क्या है आपकी ग्रोथ में आ रहा है। इट कैन बी मेजर क्वांटिटेटिवली, आप इसको मेजर कर सकते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ इंक्लूड वेट, हाइट, बोन साइज एंड, ये मैंने आपको बताया ना कि मतलब ग्रोथ मतलब आपके शरीर में कुछ चेंजेस आना, कि आपका हाइट बढ़ना, आपका वेट बढ़ना, आपका बोन साइज बढ़ना, आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ना, मतलब ऐसा कुछ भी होना जिसमें बॉडी का कुछ चेंज आना, बॉडी के अंदर चेंज आने को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ। ग्रोथ रेट वेरी ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ रेट क्या होते हैं, वो डिफरेंट एजेस पे या डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो भी ग्रोथ स्टेजेस होती है ना, उस पे वेरी करता है क्या आपका ग्रोथ रेट, क्या वेरी करता है आपका ग्रोथ रेट, हमेशा वेरी करता है। ग्रोथ रेट इज रैपिड ड्यूरिंग द प्रीनेटल, नियोनेटल, इन्फेंसी एंड एडल्सेंस स्टेज। ये चार स्टेज पे जो है ग्रोथ रेट जो है बड़े रैपिडली वर्क करता है, और कब धीरे काम करता है, जब आपकी चाइल्डहुड एज होती है। तो ग्रोथ जो है फास्टली कब वर्क करता है, रैपिडली कब वर्क करता है, कौन से स्टेजेस में वर्क करता है, प्रीनेटल, नियोनेटल, इन्फेंसी एंड एडल्सेंस, ठीक है। और सो कम काम करता है ग्रोथ जब आपकी चाइल्डहुड टाइम होता है। अब ये एज कौन सी होती है, इन्फेंसी एज क्या है, एडल्टेंस क्या है, चाइल्डहुड क्या है, वो सब मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। द फिजिकल ग्रोथ इज मिनिमल ड्यूरिंग द एडल्टहुड, ओके। डेवलपमेंट में क्या होता है, इट इज इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फंक्शन एंड स्किल्स प्रोग्रेस। आपकी स्किल प्रोग्रेस जो हो रही है उसको, उसकी इंक्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। इट इज अ कैपेसिटी एंड स्किल ऑफ पर्सन टू अडेप्ट टू द एनवायरमेंट, ठीक है। क्या होता है, आपके अंदर एक कैपेसिटी होती है, आपके एक स्किल होती है कि आप उस एनवायरमेंट को अडेप्ट कर लें। डेवलपमेंट इज अ बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ द ग्रोथ, किसका एस्पेक्ट है, ग्रोथ का। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इंक्रीज इन साइज एंड क्वान्टिटी ओवर टाइम, ठीक है। और डेवलपमेंट सिस्टमैटिकली ऑर्डरली चेंज ऑर्गेनिज्म एक्सपीरियंस एज दे लिव एंड आइदर गेन और लूज द एबिलिटी, ठीक है। कुछ ग्रोथ क्या है, ग्रोथ क्या है, पर्सनल है। ग्रोथ कम्स फ्रॉम विद इन, ग्रोथ ग्रेजुअली एंड ऑर्डरली बट अनइवन। ग्रोथ हैज अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक एट ए पर्टिकुलर एज, हर एक पर्टिकुलर एज पे ग्रोथ की एक अपनी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। ग्रोथ प्रिसाइड्स फ्रॉम द हेड टू डाउनवर्ड, ठीक है। ग्रोथ प्रिसाइड्स फ्रॉम द सेंट्रल टू आउटवर्ड, ठीक है। ग्रोथ डिपेंड अपॉन द मैच्योरेशन एंड लर्निंग, ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है, आपकी मैच्योरेशन पे और आपके लर्निंग प्रोसेस पे, ठीक है। ग्रोथ प्रिसाइड द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द कंटिन्यूस प्रोसेस, एक कंटिन्यूस प्रोसेस। देखो ग्रोथ तो इंसान के किसी भी एज में हो सकती है भाई, आपका मैंने क्या बोला, ग्रोथ क्या है कि आपका बढ़ना घटना, है ना। तो क्या है, इंसान आज मोटा हो गया कल पतला हो जाएगा, तो क्या ग्रोथ में तो आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो तो चलता ही रहता है। ऐसे डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रिसाइड फ्रॉम द जेनरिक टू द स्पेसिफिक, ठीक है। दे आर इंडिविजुअल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब हमारी जो भी ग्रोथ रेट है, मतलब हमारी जो ग्रोथ है, वो भी उसके भी मैंने कुछ आपको स्टेजेस बताते हैं। हम आपको सेवन स्टेजेस होती है, बताया ना कि कुछ मतलब कुछ पार्ट्स होते हैं हमारे ईयर्स के भी, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एडल्टेंस, अर्ली अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड एंड लेट अडल्टहुड, ठीक है। इन्फेंसी बर्थ टू वन ईयर, जब बेबी का बर्थ हुआ उससे एक साल तक की उम्र को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंसी। अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है, एक साल से लेके का बच्चा और छः साल तक का बच्चा, वो किस में आएगा, अर्ली चाइल्डहुड में आएगा। लेट चाइल्डहुड में 6 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे को हम लेट चाइल्डहुड कहते हैं। एडोलसेंस में 12 साल से लेके 18 साल तक के बच्चे को अडल्ट में डालते हैं। अर्ली अडल्टहुड में क्या होता है, 19 से 40 साल, और मिडिल अडल्टहुड में 40 से 65, एंड लेट अडल्टहुड 65 टू एंड ओल्डर, मतलब 65 से जितने भी ऊपर के लोग हैं वो लेट अडल्टहुड में। ग्रोथ द मेजरेबल फिजिकल चेंजेस दैट अकर थ्रू आउट ए पर्सन लाइफ, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। जैसे
फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन दे रही हूँ ये, जिससे आपको आगे कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको ईजी रहेगा इनको याद करके लिखना, ठीक है। ग्रोथ क्या है? द मेजरेबल फिजिकल चेंजेस दैट अकर थ्रू आउट ए पर्सन लाइफ, जैसे हाइट, वेट, बॉडी शेप, डेंटल स्ट्रक्चर, मतलब टीथ का स्ट्रक्चर। डेवलपमेंट रिफर्स टू चेंज इन इंटरेक्चुअल मेंटल इमोशनल स्किल दैट अकर ओवर टाइम, ठीक है। थिंक एंड मैच्योरेशन, इसमें क्या आपके किस चीज में चेंज आना, आपका इंटरेक्चुअल, आपका मेंटल और आपके इमोशनल थिंग्स के ऊपर। ए हेल्थ केयर वर्कर मस्ट बी अवेयर ऑफ द वेरियस लाइफ स्टेजेस एंड ऑफ द इंडिविजुअल नीड टू प्रोवाइड ए क्वालिटी हेल्थ केयर। तो हमारे चार मेन, फोर मेन टाइप्स के वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। एक तो होती है फिजिकल, दूसरी होती है मेंटल और तीसरी होती है इमोशनल और चौथी होती है सोशल। ये चार मेन टाइप के आपके ग्रोथ के और डेवलपमेंट के चार टाइप हैं। फिजिकल में बॉडी ग्रोथ दैट इंक्लूड द हाइट एंड वेट चेंजेस। अब फिजिकल में क्या है, फिजिकल क्या होता है, आपका दिखना, तो उसमें क्या है आपके हाइट और आपके वेट के चेंज में, वेट चेंज हुआ मतलब फिजिकल डेवलपमेंट पे आ गया। मेंटल इंटरेक्चुअल डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आप कितना इंटरेक्चुअल बातें करते हो, कितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हो और आप कितने मतलब मेंटली स्ट्रांग हो, ठीक है। इमोशनल रिफर्स टू द फीलिंग इंक्लूड डीलिंग विद अ लव, हेट, जॉय, फियर, एक्साइटमेंट एंड अदर सिमिलर फीलिंग्स जो भी हो। इस टाइप की जितनी भी फीलिंग्स हैं, किसी को देख के खुश होना या कभी अचानक से रो जाना, प्यार आना, एक एक्साइटमेंट होना, किसी भी चीज़ की एक होती है ना आपको एक्साइटमेंट हो गई, इस तरह की जितनी भी नॉर्मल फीलिंग्स हैं या कोई सिमिलर ऐसी अदर फीलिंग्स जो भी हैं उसको हम किस में डालेंगे, इमोशनल में। सोशल रिफर्स टू इंट्रैक्शन एंड रिलेशनशिप विद द अदर पीपल, दूसरे लोगों से आपका जो आपके घर वालों के अलावा आपके नियर बाय जो भी लोग रहते हैं उनसे आपका कैसा रिलेशन है, आपका उनके साथ कैसा इंट्रैक्शन है, वो सब किस में आता है, सोशल। ठीक है, तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं जो मैंने आपको सात लाइफ, सेवन लाइफ स्टेजेस बताई हैं, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मीनिंग समझ में आ गए, आपको ये पता चल गया किसमें क्या चीज़ होती है, किसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, ये सारे पता चल गए आपको। एक प्रॉपर मैंने इसलिए आपको एक डेफिनेशन भी दे दी और इनके जो चार मेन टाइप है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के वो भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब आते हैं इन जो हमारे सेवन स्टेजेस हैं। तो सेवन स्टेजेस में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इन्फेंसी, बर्थ टू वन ईयर। जब बेबी का बर्थ होता है उससे लेके एक साल तक, वन ईयर तक क्या क्या होता है, उस टाइम को, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, एक बेबी के बर्थ से लेके एक साल तक के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंसी, ठीक है। अब इन्फेंसी वाले बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, मेडिकल मेंटल डेवलपमेंट क्या है, उसकी नीड्स क्या है। फिजिकल डेवलपमेंट द मोस्ट ड्रामेटिक एंड रैपिड चेंज इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैपन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर लाइफ। बर्थ के बाद एक साल तक बच्चे के अंदर बहुत चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो आपके किस में आ गए, फिजिकल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट, इन्फेंट मेक देयर नीड्स नो बाय क्राइंग, ठीक है, दे कैन नॉट स्पीक, वो बोल नहीं सकते, बट आर एबल टू अंडरस्टैंड सम वर्ड्स बाय द सिक्स मंथ ओल्ड, बट छः महीने के बाद वो बच्चे जो है कुछ वर्ड को समझ सकते हैं, एंड बाय वन ईयर दे अंडरस्टैंड मैनी वर्ड एंड यूज ए सिंगल वर्ड। आपने देखा होगा जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं आफ्टर बर्थ, जिनका बर्थ हुआ होता, वो बच्चे बोल तो कुछ सकते नहीं और समझ भी कुछ नहीं सकते जब बच्चे होते हैं, वो क्या है, वो बस रोते हैं, ठीक है। फिर कुछ समय के बाद जैसे उनके सिक्स मंथ्स कंप्लीट होते हैं वो कुछ वर्ड समझने लगते हैं, बट वो उस टाइम पे बोल तब भी नहीं सकते हैं। बाय द वन ईयर, एक साल के अंदर ही अंदर, मतलब जब वो, ये मैंने आपको बताया छः महीने तक जो है वो बच्चे बोल नहीं सकते, ठीक है, बस कुछ वर्ड समझ सकते हैं, ठीक है। ये क्या, सिक्स मंथ से कोई भी बच्चा बोल नहीं सकता, बस हाँ समझ सकता है, लेकिन जब वो वन ईयर का होता है तब तक वो वर्ड्स भी समझने लगते हैं और कुछ एक एक सिंगल सिंगल वर्ड बोलने भी लगते हैं। तो ये चेंजेस आते हैं बर्थ से लेके एक साल तक के बच्चे में। नीड्स,
इन्फेंट आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर ऑल देयर नीड्स. तो ऑब्वियसली जो छोटा बच्चा है वो हमेशा किसी और के पे ही डिपेंडेंट रहता है अपनी हर नीड के लिए. लव एंड सिक्योरिटी आर असेंशियल फॉर इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ. स्टिमुलेशन इज असेंशियल फॉर द मेंटल ग्रोथ. अब उनके लिए क्या है भाई, उनको वो वैसे भी किसी और पे डिपेंडेंट है, वो अपने कोई भी काम खुद तो कर नहीं सकते क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं. तो वो क्या है, लव एंड सिक्योरिटी आर असेंशियल फॉर इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ एंड स्टिमुलेशन इज असेंशियल फॉर मेंटल ग्रोथ. ठीक है, ये किसका था, इन्फेंसी का. छोटू छोटू बच्चे जो होते हैं बर्थ से लेके और वन ईयर तक के जो बच्चे. ठीक है, अब आते हैं अर्ली चाइल्डहुड पे, जो क्या है, फर्स्ट ईयर से लेके सिक्स ईयर. ठीक है, मतलब एक साल जब बर्थ हुआ उससे एक साल तक का मैंने आपको बता दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंसी. अब आते हैं हम जो एक साल के बच्चे हो गए हैं, जैसे आप कोई स्टूडेंट है उसका बर्थ हुआ अप्रॉक्स, आप कोई भी एज कोई भी वो निकाल लीजिए, 9 जनवरी. ठीक है, 9 जनवरी 2018 फॉर एग्जांपल. तो इस टाइम से लेके एंड 9 जनवरी 2019 तक, ये किस स्टेज में, इन्फेंसी स्टेज में. ये कौन सी स्टेज है, इन्फेंसी स्टेज. आप 2019 से लेके जब तक वो बच्चा 6 ईयर का नहीं हो जाता तब तक वो कौन सी स्टेज में रहेगा, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में. ठीक है, अब आ गया आप लोगों को समझ में. अर्ली चाइल्डहुड एज इज 1 ईयर टू 1 to 6 ईयर ओल्ड. बाय द एज फिजिकल चेंजेस में आएंगे. अब देखो जब तक वो इन्फेंसी एज में था तब तक फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट ही हुआ था, बट जब वो अर्ली चाइल्डहुड में आ गया तो उसका फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, ठीक है, तीनों ग्रोथ, ये तीनों डेवलपमेंट होने लगे. फिजिकल में बाय द चेंज बाय द एज ऑफ 6 द एवरेज वेट इज 45 lbs. कितना हो गया वेट, कितना हो जाता है 45 lbs. एंड द एवरेज हाइट इज 46 inches. ये हम एवरेज हाइट बता रहे हैं और एक एवरेज वेट बता रहे हैं, उससे कम ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, द मसल कॉर्डिनेशन अलाउ द चाइल्ड रन क्लाइम मूव फ्रीली. इस एज तक आके बच्चा जो है वो अपना आप दौड़ सकता है, खेल सकता है, कहीं भी घूम सकता है. वो घूम इन द सेंस कि कहीं भी घूम द सेंस वो घूमना नहीं, मतलब वो कहीं भी इजीली मूव कर सकता है. इस टाइम पे बच्चे जो हैं वो लिखना, राइटिंग करना, फॉक यूज़ करना, नाइफ यूज़ करना, ये सब चीज़ें सीख चुके होते हैं. चिल्ड्रन लर्न हाउ टू राइट ड्रॉ एंड ईज टू यूज टू फॉक एंड नाइफ. बाय द 2 to 4 ईयर मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द बाउल एंड ब्लेंडर कंट्रोल. ठीक है, ये सब वो लोग सीख जाते हैं. मेंटल के डेवलपमेंट इस टाइम पे जो है, आप छोटे बच्चों का जो मेंटल ग्रोथ है ना वो बहुत फास्ट होता है. आपने देखा होगा अगर आप लोगों के घर में कोई छोटे बच्चे होंगे, आप उन्हें कोई एक बात बोलो, ठीक है, ये एज इस एज में उनकी मेंटल डेवलपमेंट इतना जल्दी होता है ना कि उनको बात हमेशा याद रहेगी. और आप उनसे 2 दिन बाद वो बात पूछोगे उनको तब भी वो चीज़ याद रहेगी. लेकिन यही चीज़ हम अपनी एज में आके आफ्टर 30 आफ्टर 25 प्लस 30 प्लस में आगे हमें यही नहीं पता होता हमने 2 दिन पहले कोई चीज़ कहाँ रखी थी. लेकिन बच्चों का उस एज पे जब वो फर्स्ट ईयर से 6 ईयर के बीच का जो टाइम है उस टाइम पे मेंटल डेवलपमेंट इतना फास्ट होता है कि उन्हें हर चीज़ अपनी बहुत ज़्यादा याद रहती है. इस टाइम पे वो बोलना सीख जाते हैं, बहुत सारे वर्ड सीख चुके होते हैं एट दिस एज. 1 से लेके 250 वर्ड्स तक उन्हें याद रहते हैं अपने एज तक, मतलब जब तक वो 6 साल के होते हैं. बाय द एज 6 मोस्ट चिल्ड्रन वांट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट. 6 साल तक के बच्चे लिख भी लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं. बहुत होंगे ऐसे बच्चे. तो इमोशनली ट्राइब्स टू चिल्ड्रन बिकम फ्रस्ट्रेटेड एंड वे दे कैन नॉट परफॉर्म एज डिजायर दे बिकम ए स्टम्बन. ठीक है, नीड्स क्या है, स्टिल इंक्लूड फूड रेस्ट शेल्टर लव सिक्योरिटी, इन सबकी सबको नीड होती है. दे मस्ट लर्न टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड टू फॉलो रूल्स. रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, रूल फॉलो करते हैं एंड मेकिंग ए
रीजनेबल डिमांड बेस्ड ऑन द चाइल्ड एबिलिटी। ठीक है, तो ये था आपका अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में भी आपको पता चल गया बच्चे के जो एज उसका एवरेज वेट है वो 45 lbs होता है, हाइट 46 inches होती है। इस टाइम पे उनकी मसल्स का कोऑर्डिनेशन अलाउ कर चुका होता है उन्हें दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, भागने के लिए, कहीं चढ़ने के लिए, फ्रीली मूव करने के लिए। वो इस टाइम तक सीखने लगते हैं राइटिंग, ड्रॉ करना, यूज फॉर्क नाइफ, ठीक है, ये सब चीज़ें। उनका मेंटल डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है इस टाइम पे, बहुत सारे वर्ड्स वो सीख जाते हैं, ठीक है, एक से लेकर 150-250 वर्ड्स तक वो सीख जाते हैं। एंड इस टाइम इमोशनली ये इनको थोड़ा इफेक्ट होता है। ऑब्वियसली छोटे बच्चों का आपको इमोशनली बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नीड्स क्या है इनके, इनको फूड चाहिए, रेस्ट चाहिए, शेल्टर चाहिए, लव चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ये सब की तो ऑब्वियसली सबको ही नीड होती है। छोटे बच्चे क्या, आप बड़े बूढ़ों को भी लोगे तो उनको भी नीड होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड ये कौन सी एज से, 6 to 12, 6 साल से लेके 12 साल तक का बच्चा। तो अभी आपने इन्फेंसी कंप्लीट किया, ये मैं इसके लिए बार बार लिख रही हूँ जिससे आपको याद हो जाए। 0 to 1 year लिख लो, बर्थ वर्थ नहीं लिखना, तो 0 to 1 year लिखना ज्यादा इजी भी रहेगा और आपको याद भी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अर्ली चाइल्डहुड, जिसमें आपने लिया 1 to 6। अब आएगा लेट चाइल्डहुड जिसमें 6 to 12, बहुत क्रिटिकल टाइम, क्रिटिकल सिचुएशन, क्रिटिकल ग्रोथ एंड क्रिटिकल डेवलपमेंट, सब कुछ क्रिटिकल है इस एज पे 6 to 12 year लेट चाइल्डहुड एज। ठीक है, और डॉल्सेंस वाली भी एज थोड़ी टास्क वाली ही है। ठीक है, एंड देन कम्स टू लेट चाइल्डहुड 6 to 12 years, हम फिजिकल पे आते हैं, प्री एडोलसेंस वाली एज है। मोस्ट ऑफ द बेबी टीथ आर लॉस्ट एंड परमानेंट टीथ स्टार, जितने भी शुद्ध हिंदी में बोलूं तो दूध के दांत टूट जाते हैं एंड परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ड्यूरिंग एज ऑफ द 10 to 12 सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक मे बिकम टू डेवलप इन सम चिल्ड्रन, कुछ चिल्ड्रन में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी की स्टार्टिंग हो जाती है। मेंटल रैपिड बिकॉज चाइल्ड इज इन स्कूल, ये टाइम भी उनकी मतलब मेंटल ग्रोथ का अच्छा होता है क्योंकि स्टूडेंट चाइल्ड स्कूल्स में होते हैं और स्कूल में उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, उनको एक अलग इन्वायरमेंट मिलता है, उनका ग्रोथ टाइम भी अच्छा होता है जिससे उनके उनको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये फाइंड आउट तो वैसे आप अर्ली चाइल्डहुड में भी कर सकते हो कि आपके बच्चे को किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। किसी को इंटरेस्ट होता है आर्ट एंड क्राफ्ट में, किसी को इंटरेस्ट है डांस में, किसी को मार्शल आर्ट में, किसी को किसी में, किसी को पढ़ने में, तो ये सब चीज़ें इस एज पे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके बच्चे को किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। उससे आपको बहुत ईजी रह जाता है आपके बच्चे को आगे चल के उस चीज़ में डालने में। ठीक है, इमोशनली फियर सराउंडिंग स्टार्टिंग स्कूल आर ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय द एज ऑफ 10 to 12, सेक्सुअल मैचुरेशन एंड बॉडी चेंजेस कैन लेड टू द पीरियड ऑफ डिप्रेशन फॉलोड बाय द पीरियड्स ऑफ जॉय। ठीक है, नीड सम एज ए इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड बट नाउ इज ए पीयर एक्सेप्टेंस इज एडेड। ठीक है, एक इमोशनल में क्या है भाई, एक तो उनकी एज ऐसी होती है कि उनका मैचुरेशन टाइम आ रहा है। ठीक है, तो उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस है, इमोशनली वो वीक हो जाते हैं, तो उस सब पे आपको ध्यान देना है। और क्या, जैसी चीज़ें इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में थी वैसी ही सेम चीज़ें नीड्स है, बट नाउ पीयर एक्सेप्टेंस भी ऐड हो जाता है उसमें। ठीक है, तो ये है आपका लेट चाइल्डहुड जो 6 to 12 years तक। सॉरी, एडोलसेंस। ठीक है, ये आता है 12 to 18 years। ठीक है, 18 years में आके आपका सोशल एंटर हो गया। देखिए, अभी तक आपका फिजिकल ग्रोथ एंड इमोशनल चल रहा है। फिजिकल चेंजिंग आर मोस्ट ड्रामेटिकल इन द एवरी पीरियड। ठीक है, ग्रोथ अकर दैट कैन इफेक्ट कंडीशंस, प्यूबर्टी अकर वेयर द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड सेक्शुअल ऑर्गन जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर,
फेशियल हेयर फॉर मेल एंड ब्रेस्ट फॉर द फीमेल, ये क्या इनके सेक्सुअल चेंजेस होते हैं जो फिजिकली शो होते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये एडोलेसेंस के टाइम पे मतलब एज 12 to 18 में ज्यादा शो होते हैं, ठीक है। मेंटल में ग्रोथ प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द नॉलेज, इंक्रीज इन नॉलेज एंड शार्पनिंग ऑफ द स्किल, अपने स्किल शार्पनिंग में एडोलेसेंस आर ट्रीटेड बोथ एज ए चिल्ड्रन एंड अडल्ट टोल्ड टू ग्रो अप एज ए रिमाइंड दैट दे स्टिल आर द चिल्ड्रन, इमोशनली ऑफन स्ट्रॉमी, ठीक है, ट्राइंग टू एस्टेब्लिश एंड इंडिपेंडेंसी एंड आइडेंटिटी, सोशल स्पेंडिंग मोर टाइम विद फ्रेंड्स एंड अदर फैमिलीज एंड सिक्योरिटी इन द ग्रुप ऑफ पीपल देयर ओन एज, ठीक है। सोशल मीडिया इस एज में आके बच्चा क्या है ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है अपने दोस्तों के साथ देन फैमिली, ठीक है। सिक्योरिटी इन क्या क्या है, उनको अपनी एज में ही वो सिक्योर फील करते हैं, नीड क्या है, इन कंडीशन टू बेसिक नीड एडल्ट नीड रीअश्योरेंस सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट नीड है भाई। इस एज में आके एक बच्चे को समझना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता है, वो क्या बोल रहा है वो चीज़ भी आपको समझें। ईटिंग डिसऑर्डर एंड केमिकल एब्यूज में अकर इन द एडोलेसेंस एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ द इनसिक्योरिटी, ओके। तो एडोलेसेंस के एज में क्या है, एक तो उनके अंदर सेक्सुअली चेंजेस हो रहे, कैरेक्टरिस्टिक जो है सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं वो मेच्योर हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे प्यूबिक हेयर है, फेशियल हेयर्स हैं फॉर मेल एंड ब्रेस्ट साइज जो ब्रेस्ट जो है वो फीमेल, ठीक है। मेंटल में क्या होता है, मेंटल में उनकी स्किल और वो अपना नॉलेज पावर जो है उनका इस टाइम पे इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। बेस्ट चीज़ क्या है, आप ये याद रखिए कि उनकी ग्रोथ प्राइमरी इन्वॉल्व इंक्रीज इन नॉलेज एंड शार्पिंग द स्किल, इमोशनली क्या इफेक्ट पड़ता है वो, सोशली स्पेंडिंग मोर टाइम विद फ्रेंड्स एंड देन द फैमिली। अब आते हैं अर्ली चाइल्डहुड, मतलब तो बुढ़ापा, मतलब बुढ़ापा भी नहीं बट स्टिल बुढ़ापे की। अब यहाँ तक तो हम वो लोग खुद बच्चे थे, अब इस एज में क्या है 19 to 40 की एज, 19 to जिसमें वो फुल्ली मैच्योर हो चुके हैं भाई, फुल्ली मैच्योर भी हो गए एंड मैरिज भी हो गई एंड देन उनके खुद के बच्चे भी हैं, ठीक है। तो अर्ली अडल्टहुड 19 to 40 ईयर्स, फिजिकली यूजली द मोस्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टाइल, फिजिकल डेवलपमेंट इज बेसिक इज कम्प्लीट, सारा फिजिकल डेवलपमेंट कम्प्लीट हो जाता है, दिस इज प्राइमरी टाइम ऑफ चाइल्ड बियरिंग, मेंटल फॉर्मल एजुकेशन कंटिन्यू, यंग अडल्ट मे चूज टू मैरी एंड स्टार्ट द फैमिली। इस टाइम पे आप जो यंग अडल्ट हैं वो क्या चूज करते हैं कि चलो अब हम शादी कर देते हैं एंड स्टार्ट अवर फैमिली, इमोशनली मे एक्सपीरियंस स्ट्रेस रिलेटेड टू द कैरियर मैरिज एंड फैमिली। इस टाइम पे उनके उनके माइंड में एक वो एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रेस अपने कैरियर अपनी मैरिज और अपनी फैमिली को लेकर। सोशल डेवलपमेंट फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व मूविंग अवे टू पीयर्स टू एसोसिएशन विद कोवर्क एंड मेट्स, यंग अडल्ट डू नॉट नेसेसिटी टू एक्सेप्ट द ट्रेडिशन सेक्स रूल्स एंड अडॉप्ट नॉन ट्रेडिशनल, फॉर एग्जाम्पल मेल हैव बिकम मे बिकम्स नर्सेज और सिक्योरिटीज, फीमेल में टेक एडमिनिस्ट्रेटिव और कंस्ट्रक्टिव पोजिशन, ठीक है। तो ये एक ऐसी एज होती है जहाँ पे स्ट्रेस होता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रेस को अपने कैरियर अपनी मैरिज और अपनी फैमिली को लेके, ये उनका इमोशनल चीज़ें होती हैं। मेंटल में वो क्या होता है, मेंटल में वो अपने जो फॉर्मल एजुकेशन को कंटिन्यू करते हैं और वो यंग जो होते हैं वो ये चूज़ करते हैं कि क्या वो अपनी शादी कर लेते हैं देन स्टार्ट अपनी फैमिलीज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और फिजिकल में क्या चेंजेस हैं, वो एक रिप्रोडक्टिव स्टेज है, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका होता है, इतना कुछ अब उसमें होता नहीं है सोशली तो अब, ठीक है। फिर आते हैं मिडिल अडल्टहुड, फोर्टी टू सिक्सटी फाइव, जिसके बीच की एज में हमें रिटायरमेंट एज भी आ जाती है। फिजिकल चेंजेस बिगम्स टू अकर, हेयर्स बिकम्स टू ग्रे एंड वाइट, इस एज में दोबारा से आपके फिजिकल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, आपके हेयर जो होते हैं वो ग्रे होते हैं एंड वाइट हो जाते हैं, स्किन पे रिंकल आने स्टार्ट हो जाते हैं, सुनना थोड़ा कम स्टार्ट हो जाता है, विजन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और वेट गेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी कंटिन्यू टू इंक्रीज, दिस इज द पीरियड वेन द इंडिविजुअल अंडरस्टैंड लाइफ एंड हैव लर्न टू कॉप विथ मैनी ऑफ द स्ट्रेस, ठीक है।
इमोशनल कैन बी पीरियड ऑफ क्राइसिस इमोशनली स्टेटस वेरी डिपेंडिंग ऑन द लाइफ चेंजेस इन्वॉल्विंग अराउंड द चिल्ड्रन ग्रोइंग अप एंड लीविंग द होम जॉब सेटिस्फैक्शन फाइनेंशियल सक्सेस एंड गुड हेल्थ. ठीक है, ये सब इमोशनल होते हैं. और मेंटल में क्या है, वो उनकी इस टाइम पे जो मेंटल एबिलिटी कैन कंटिन्यू टू इंक्रीज. ठीक है, और चेंज फिजिकल चेंजेस में भाई ये की एज होती है जिसमें दोबारा से आपकी बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं. मतलब आपका खाली एक अर्ली अडल्टहुड ही होता है जिसमें आपकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आते. दिस इज एज ऑफ 19 to 40. जब आपकी मिडिल अडल्टहुड आती है मतलब 40 to 65 की एज आती है, उस टाइम पे भी आपको फिर से फिजिकल चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं. आपके हेयर ग्रे हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, स्किन पे रिंकल आने शुरू हो जाते हैं, सुराई कब देता है. ठीक है, सॉरी, विजन में प्रॉब्लम होने लगती है, वेट गेन होता है. अब ये आते लेट अडल्टहुड 65 एंड देन ऑन. अब जो 65+ है, 65+ जितने भी हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लेट अडल्टहुड, जिसे हम अल्डरली सीनियर सिटीजन गोल्डन एजर एंड रिटायर्ड सिटीजन भी बोलते हैं. फिजिकल डेवलपमेंट आर ऑन डिलाइन, ऑल बॉडी सिस्टम आर अफेक्टेड, स्किन बिकम ड्राई हो जाती है, रिंकल हो जाती है, थिन हो जाती है, बाल थिन हो जाते हैं, बोन जो होती है वो ब्रिटल हो जाती है एंड बहुत ज़्यादा टूटने लगती है, मसल टोन हो जाती है, नर्व सेल्स कैन ऑल्सो इनटॉलरेंस टू टेम्परेचर चेंजेस. ठीक है, मेंटल एबिलिटी वेरी अमोंग इंडिविजुअल, वाइल सम एल्डर पीपल टर्म कंटिन्यू टू लर्न, अदर हैव द मेंटल डिक्लाइन. ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है. ठीक है, मैनी इंडिविजुअल कैन क्लियरली रिमेंबर वॉट दे अकर्ड इन 20 years एगो बट डू नॉट रिमेंबर यस्टरडे इवेंट. उन्हें 20 साल पहले की चीज़ें याद रहेंगी बट उन्हें एक दिन पहले की कोई भी चीज़ याद नहीं रहती है. वो उनके मेमोरी लॉस होना, इंटरेक्चुअल फंक्शंस में प्रॉब्लम होना, स्पीच का होना, डिसऑरियंटेशन, ऐसी डिजीजेज होनी स्टार्ट हो जाती हैं. इमोशनली वेरी डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल एबिलिटी टू क्रॉप, सम रिमेन हैप्पी एंड जॉय फैमिली जॉय लाइफ वाइल एन अदर मे बिकम लोनली फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्रेस्ड एंड विड्रॉन. वो ऐसा फील करते हैं कई टाइम पे कि वो अकेले हैं, फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्रेस्ड हैं. ठीक है, नीड्स के इन एडिशन टू दोज ऑल अदर लाइफ स्टेज है एल्डरली नीड ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेल्फ स्ट्रीम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सोशल एक्सेप्टेंस एंड प्यार लव. उनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो प्री टर्म न्यू बॉर्न इन्फेंटिव इन्फेंट्स टर्म न्यू बॉर्न इन्फेंट मतलब 0 to 28 days का टॉडलर आते हैं 28 days to 23 months मतलब एक साल तक के 23 months मतलब 2 years तक के. ये चिल्ड्रन हो गया 2 to 11 years एंड एडोलेसेंस 12 to 18 years. अब आते हैं नेचर वर्सेस नर्चर. नर्चर ठीक है, नेचर रिफर्स टू इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक एंड टेंडेंसी दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, जैसे जीन हो गया, हेरिडिटरी फैक्टर हो गए, फिजिकल अपीयरेंस एंड पर्सनालिटी. और नर्चर क्या है, ये किसको रिफर करते हैं, रिफर ऑल द एनवायरमेंटल वेरिएबल दैट इम्पैक्ट हु आर इंक्लूडिंग अवर अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, हाउ वी एवर रेस्ड और सोशल रिलेशनशिप एंड अवर सराउंडिंग कल्चर. ठीक है, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ये मैंने पूरा कंप्लीट नहीं लिया है, मतलब ये मैंने थोड़ा सा छोड़ा है, वो मैं आपको कल भी कराऊंगी. और जेनेटिक बेसिस फॉर डेवलपमेंट तो मैं पूरा ही आपको कल कराऊंगी. ठीक है, तो ये जो स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है इसमें प्री 3 stages आती हैं. एक तो आती है प्रीनेटल डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड फीटल स्टेज. ठीक है, ये 3 stages हैं आपकी जो आती हैं स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में ना. आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज़ गाइस जो भी मेरी इस वीडियो को देखता है प्लीज़ कमेंट करा करिए मेरे को. ठीक है, तो पहली स्टेज है प्रीनेटल डेवलपमेंट, ये भी 3 stages में डिवाइड होती है, जर्मनिक ठीक है और इम्प्लांटेशन एंड जायगोट फर्टिलाइज्ड एग. ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस आर द 3rd week आफ्टर एम्ब्रियो मास ऑफ सेल एंड अंटिल 8 week ऑफ द प्रेगनेंसी. कब तक चलती है, 8 week of the pregnancy.
फेटल स्टेज, इसे सबसे लंबी स्टेज बोलते हैं, रैपिड ग्रोथ, इसके अंदर बहुत जल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। हार्ट बीट जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रो करने लगती है। सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक बिकम प्रोमिनेंट, फीटस बिकम हैवियर एंड प्रिपरेशन ऑफ लाइफ आफ्टर बर्थ। ठीक है, ये क्या है, प्रिपरेशन ऑफ लाइफ आफ्टर बर्थ। अब आता है जेनेटिक बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ये टॉपिक जो है वो मैं आपको पूरा कल की क्लास में करवाऊंगी। ठीक है, आई होप आपको आज का ये लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने हर चीज़ बहुत इजी एंड सिंपल रखी थी। वैसे अगर मैं चाहती इसको और ट्रिकी करना तो ये इसमें और मैं बहुत सारी चीज़ें डाल सकती थी, ठीक है, ग्राफ वगैरह ये वो, बट मैंने सोचा इतना आपको ज़रूरत भी नहीं है और इतना आपके लिए बेस्ट है चीज़ों को समझने और आपके क्वेश्चन पेपर में आंसर देने के लिए। ठीक है, बाकी तो इसमें और कुछ नहीं बचता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये बचेगा इसमें जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, जेनेटिक बेसिस फॉर द डेवलपमेंट पढ़ाऊंगी कल मैं आपको, देन और आपको मैं कल इसी में ही कंप्लीट करवाऊंगी, वो है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जेनेटिक्स, ये मैं आपको कल इसमें करवाऊंगी, जिसमें इन्वायरमेंटल, बायोकेमिकल, न्यूट्रिशनल एंड कल्चरल एंड सोशल आ जाएगा, ये सब आपको कंप्लीट हो जाएगा। बट जो अभी आज मैंने कंप्लीट करा है वो ग्रोथ ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ जो है वो मैंने सारी कंप्लीट करा दी है। ठीक है, बस ये आपका फैक्टर अफेक्टिंग बचा हुआ है वो मैं कल करवाऊंगी, और होप सो कल मैं एजिंग इन सेंसेस की थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन भी कल कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को अभी तक का सब समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है, बाकी ये टॉपिक बहुत ईजी था, अब तक हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक कवर कर, मतलब सोचिए आपका पूरा 9th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अब तक तो। और कमिंग मंडे या ट्यूसडे तक, तो मंडे एंड ट्यूसडे तक होप सो आपका पूरा 9 चैप्टर, जिसका एक टॉपिक बचा है चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10, ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे ट्यूजडे तक। तो 101% में ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करा दूंगी। तो हम एक दिन की मैं एक लेक्चर अपलोड करूंगी, मैं उसकी डेट भी आपको जल्दी बता दूंगी, जिसमें मैं आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में जो भी आपका 9th और 10th चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए होंगे, जो भी क्वेश्चन आए हुए होंगे, वो अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स का 10 ईयर या 5 ईयर्स तक के पेपर में जो भी आपके क्वेश्चंस आए होंगे वो मैं एक लेक्चर में अपलोड करूंगी आपको। ठीक है, प्लीज़ उस लेक्चर को देखिएगा और अपने आंसर्स और अपने कमेंट, जो भी आपको कोई इशू वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे भी ये पता चलेगा कि हाँ आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। और अभी तो 9th और 10th चैप्टर मेरे हिसाब से बहुत सिंपल चीज़ें थी जो मैंने अभी करवाया, और अभी तो हमने खाली पेपर फर्स्ट चल रहा है हमारा, अभी तो पेपर फर्स्ट कंप्लीट करा के देन पेपर सेकंड भी मुझे कंप्लीट कराना है आपका। ठीक है, तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को देखिए, लाइक करें, शेयर करें, और मैं तो रेगुलरली ही वीडियोस डालती हूँ, मोस्टली डेली आपकी वीडियो आती ही है करियर गोल्स पे। ठीक है, तो प्लीज़ आप करियर गोल चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके पास भी ऑप्शनल एज ए एंथ्रोपोलॉजी है, या फिर जो भी स्टूडेंट बायो से रिलेटेड हैं और इन टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं वो भी इनको पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, फैमिली के साथ, जो भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, और लाइक करें, और जो भी इशूज़ हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगर और भी कुछ है आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी है, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपसे कल की क्लास में इसी के कुछ टॉपिक्स के साथ, अभी तो यही चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे 2-3 दिन में। ठीक है, ये चैप्टर एंड देन चैप्टर 9 का जो एक टॉपिक बचा हुआ है वो हम 2-3 दिन में वो कंप्लीट करते हैं, फिर हम आप लोगों से मिलते हैं
एक क्वेश्चन पेपर के साथ या तो या फिर किसी और नए टॉपिक के साथ, वो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आप क्या करना चाहेंगे, पहले इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहेंगे या फिर आप पहले मतलब इन दोनों चैप्टर चैप्टर 9 और चैप्टर 10 का पेपर सॉल्व करना चाहेंगे या फिर आप चाहेंगे कि पहले मैं सिलेबस कम्प्लीट कराऊँ। जैसा आप लोग चाहेंगे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका फिर वैसे ही आगे स्टार्ट करूँ। चलिए गाइस फिर कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। ओके बाय।